सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आप में से काफी सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं रेडमी के 9 के बारे में कि ये जो स्मार्टफोन है किस फीचर्स के साथ में लॉन्च होगा, कब यहां पर लॉन्च होगा और इसकी जो प्राइस होगी वो यहां पर कितनी देखने के लिए मिलेगी। तो फाइनली अगर आप इस स्मार्टफोन का वेट करें तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि यहां पर इस स्मार्टफोन की लॉन्च को लेकर के और यहां पर इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स को लेकर के कल काफी सारी अपडेट्स यहां पर निकल करके आए हैं, जो कि कुछ अपडेट्स आज यहां पर सुबह भी निकल करके आई हैं, जो कि सभी कुछ इस वीडियो में आपसे डिटेल में यहां पर बात करने वाला हूं इसी नए स्मार्टफोन के बारे में। तो फाइनली अगर आप यहां पर चैनल में पहले बार आए, चैनल में पहले बार विजिट किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करता हूं आपसे सबसे पहले रेडमी के 9 के बारे में, कल ये जो स्मार्टफोन है Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर इसका नाम लिस्ट हो चुका है। कल यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो Xiaomi के ग्लोबल RF एक्सपोजर पेज पर लिस्ट हो चुका है, और इसके साथ-साथ आज यहां पर इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर भी निकल करके आया, जिससे इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो यहां पर कंफर्म होकर के आए हैं। फाइनली अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के बारे में, अगर बात करता हूं सबसे पहले यहां पर इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहां पर Redmi के 9 में देखने के लिए मिलेंगे, तो इस स्मार्टफोन में आपको अगर बात करता हूं स्मार्टफोन की डिजाइनिंग की, तो प्लास्टिक का बैक पीछे की साइड यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर 6.6 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले आज शो किया गया है। आप चाहें तो इस ट्वीट को जाकर के ट्विटर पर चेक भी कर सकते हैं कुछ डिटेल आज यहां पर निकल करके आई है और कल क्या कुछ डिटेल ऑफिशियल यहां पर इस स्मार्टफोन के बारे में निकल करके आई। बात करते हैं यहां पर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको 6.6 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले और देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे लगता है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन ये लोग यहां पर देने वाले हैं, क्योंकि पंच होल मिलना मुश्किल है Redmi के 9 में इसकी प्राइस को देखते हुए। इसके साथ बात करता हूं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर को लेकर के काफी अच्छी गुड न्यूज है। यहां पर आपको MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ अगर बात करता हूं स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट के बारे में, तो यहां पर एक रैम वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ शो किया गया है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज। हो सकता है ये उसका हायर वाला वेरिएंट हो, इसके पहले भी एक आध वेरिएंट 3GB 32GB करके हमें यहां पर देखने के लिए मिले, हालांकि वो बात की बात है। इसके साथ बात करता हूं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो पीछे की साइड 4 कैमरा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको याद होगा एक इमेज लीक होकर के आई थी, जहां पर कुछ पोको के X2 की डिजाइनिंग में कैमरा यहां पर दिया गया था और इसके साथ साथ 4 कैमरे वहां पर शो किए गए, तो वही वाला स्मार्टफोन है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा 4 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक 13 मेगापिक्सल नहीं और कैमरा को यहां पर रेडमी को अपग्रेड करना चाहिए इस स्मार्टफोन में। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया है सेल्फी के लिए। अगर बात करता हूं स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। USB टाइप सी पोर्ट भी यहां पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर जो डाउट वाली चीज कल निकल करके आई है, जिसको देख करके मैं थोड़ा सा यहां पर डिसअपॉइंट हुआ, वो है यहां पर इस स्मार्टफोन का चार्जर। यहां पर अगर बात करें Redmi के 8 में, तो वहां पर हमें 18 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है, वहीं Redmi के 9 में चार्जर को और अपग्रेड करना चाहिए, तो कंपनी यहां पर चार्जर को डाउनग्रेड कर रही है। यहां पर 10 वाट का चार्जर शो किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 10 वाट का चार्जर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा 10 उसमें Redmi के 8 में 18 वाट, तो Redmi के 9 में 10 वाट का चार्जर यहां पर कैसे आ गया। वैसे मुझे लगता है 5000mAh की बैटरी है, तो चार्जर को जरूर से यहां पर अपग्रेड करना चाहिए, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा यहां पर लग जाएगा स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे पूरे डिटेल्स जो कि कल यहां पर निकल कर गए। इसके साथ यहां पर आपको रियर माउंटेड पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस स्मार्टफोन यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली अगर बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च के बारे में और यहां पर इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो यहां पर दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है Redmi के नोट 9 के जस्ट तुरंत बाद ही यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये जो स्मार्टफोन है उम्मीद है कि मई के लास्ट में, यानी मई खत्म होते होते, और ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर ना मई में, तो यहां पर जून के फर्स्ट वीक में जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली हमें यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे और Mi 10 के साथ में Redmi का नोट 9 भी लिस्ट हुआ था, और Redmi की नोट 9 के जस्ट नीचे Redmi का 9 लिस्ट हुआ है, यानी Redmi का नोट 9 पहले यहां पर लॉन्च होगा और उसके बाद यहां पर जो Redmi का 9 है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, और जल्दी ये स्मार्टफोन हमें यहां पर मई में ही देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली बात करता हूं Redmi के 9 के प्राइसिंग के बारे में, तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन, जैसे कि इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स निकल करके आए हैं, उम्मीद है कि 8 से 9 हजार रुपए के बीच में और इसकी जो प्राइस होगी वो यहां पर इसके बेस वेरियंट के लिए इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। और फाइनली देखते हैं जो स्मार्टफोन है कब तक यहां पर निकल करके आता है। इसके साथ साथ आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहां पर इस स्मार्टफोन को लेकर के, और आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर Redmi के 9 में देखने के लिए मिलनी चाहिए, जरूर से अपना ओपिनियन यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनली दोस्तों, ये था कुछ वीडियो में, और आशा करता हूं छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।